लघुनाटिका को इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंधित जो जानकारियां थी उस समय कैसा था उसके विषय में यदि जानकारियां नहीं रखते तो आप ध्यान से देखिए और देख करके लुप्त उठाइए और आशीषित हो जाइए। तो इससे पहले कि हम लोग इस प्ले को आरंभ करें तथा जोरदार ताली बजाइए हम ऐसे करें कि आप ध्यान रहें जोरदार एक परिवार के साथ में एक परिवार है जो क्रिसमस की तैयारियों में है और उसको सेलिब्रेट करना चाहता है तो किस तरीके से उन्होंने अपने क्रिसमस की तैयारियों को शुरू करा है उससे हम लोग देखना आरंभ करें। उधार क्या होता है मम्मी?
हमारे साथ ज्यादा समय लेते हैं, तुम समझाओ इन्हें, ठीक है? ठीक है, तो मैं आज इन दोनों को सुनाती हूँ, यीशु मसीह की जीवित और सच्ची कहानी। क्या तुम दोनों सुनना चाहोगे? हाँ मम्मी, हम सुनेंगे। ठीक है, तो सुनो। के पास भेजा गया, जिसकी पत्नी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह किस प्रकार का अभिवादन है हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो इसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर याकूब का सिंहासन, दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और पवित्र चामन तुझ पर छाया करेगी, इसलिए मैं पवित्र हूँ जो उत्पन्न होने वाला है प्रभु का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबेथ के बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। पहाड़ी देश में यहूदा के नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर लिस्पर को नमस्कार किया।
जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सुख में दिखाई देकर कहने लगा, ये किस प्रकार का सौभाग्य था। जैसे मेरे प्रभु की मर्जी होगी मैं वैसा ही करूंगा। हाँ भाई ये तो बहुत अद्भुत रोशनी थी। हाँ
अगस्तुस कैसर की ओर से ये राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का अधीन था। और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजर नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। ये अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। मेरा नाम यूसुफ है और मेरी पत्नी का नाम मरियम है। ठीक है भाई, आपका नाम लिखते गए हैं, आप जा सकते हैं। और जब यूसुफ और मरियम नाम लिखाने के बाद जब वापस आ रहे थे तो रात्रि हो चुकी थी और मार्ग में ही यूसुफ की पत्नी मरियम की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो रात रुकने के लिए सराय में जगह ढूंढने गए। क्या हमें सराय में थोड़ी जगह खाली मिलेगी? नहीं भाई, यहाँ तो कोई जगह नहीं है। महाशय,
मेरी पत्नी गर्भ और पीड़ा से है। आप एक बार जाके देखिए, क्या पता थोड़ी जगह मार लिया हो। अच्छा रुको, मैं अभी देखती। Thank you.
और हरदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, राजा को धन्यवाद कर सके। जैसी महाराज की आज्ञा।
की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। Thank you.
मनुष्यों को स्वप्न के चेतावनी देकर कहा कि तुम हेरोदेश के पास न जाकर किसी दूसरे मार्ग से अपने देश को चले जाना। हे मजूसियों, तुम हेरोदेश के पास फिर न जाना वरन दूसरे मार्ग से अपने देश को चले जाना, क्योंकि हेरोदेश उस बालक को मरवाने पर है। उठो भाई, उठो, उठो भाई, उठो। क्या हुआ भाई? भाई, क्या तुमने कोई स्वप्न देखा? हाँ भाई, मैंने भी एक स्वप्न देखा। उठो भाई, उठो, उठो भाई, उठो। भाई, क्या तुमने कोई स्वप्न देखा? हाँ भाई, मैंने भी एक स्वप्न देखा। चलो, जिस प्रकार हमें स्वर्गदूत ने बताया है हम उसी प्रकार करेंगे और पूरा दिशा से ना जाकर किसी और मार्ग से अपने देश को चले जाएंगे। चलो भाई, चलो। जब हेरोदेश ने देखा कि मजूसियों ने उनके साथ धोखा किया, तब राजा क्रोध से भर गया। वो मजूसी, उनका इतना दुस्साहस, इतनी हिम्मत उनकी, हेरोदेश से लहूलुहान होना देखना चाहते हैं। जय हो महाराज। इसलिए
जितने भी दोनों हमारे इसके बच्चे हो या उनसे छोटे पाए जाते हो, हमारा आदेश है कि उन सबको कत्ले आम कर दिया जाए। देखें क्या कि किस तरीके से परमेश्वर
इन पूरी टीम के द्वारा लोगों को आशीष दे रहा है केरल से के गीतों के माध्यम से।
सबको ब्लेस करें, सबको आशीष दें। संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा एक गीत की प्रस्तुति